वाले रूट पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंच गई है। श्वेता, ये बड़ी खबर है क्योंकि दिल्ली हिंसा पर दीप सिद्धू और इकबाल सिंह क्या कहते हैं उस सीन रिक्रिएशन में, ये देखना बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। बिल्कुल, और उसी रूट से जिस रूट से दीप सिद्धू और इकबाल सिंह पहुंचा था, क्योंकि इकबाल सिंह का कहना है कि वो तो रास्ता भटक गया था, तो आप रास्ता कैसे भटके, आप कैसे पहुंच गए वहां पर, आपको लाल किला कैसे पता था। तस्वीरें देखिए अनुराग, ये तस्वीर हम इस वक्त आपको जी हिंदुस्तान पर दिखा रहे हैं। सबसे पहले दर्शकों को ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से टीम जो है वो पहुंच चुकी है, और क्राइम ब्रांच ने लाल किला में सीन रिक्रिएट करवाया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली हिंदुस्तान सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में देखकर आप समझ पाएंगे किस तरीके से पुलिस जो है वो कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। लेकिन उस दिन जो हुआ था, जिस तरीके से गणतंत्र को गणतंत्र के गद्दार सामने आए थे, शर्मसार करने की कोशिश की गई थी, उसके बाद अब कार्रवाई किस तरह से की जा रही है, ये तस्वीरें इस वक्त की स्क्रीन पर आपके सामने। मनोहर हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोहर, क्या तस्वीर आपको देखने को मिल रही है? क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो पहुंच चुकी है, दीप सिद्धू और इकबाल सिंह साथ में है। जी बिल्कुल, आपको जैसे तस्वीरों में जो दिख रहा है, जिस तरीके से जो तमाम जो अधिकारी है, पुलिस अधिकारी, क्राइम ब्रांच के अधिकारी है, स्पेशल टीम के अधिकारी हैं और दिल्ली पुलिस के कई अधिकारी हैं जो इस सीन रिक्रिएशन में यहाँ पर मौजूद है। आपको बता दूं कि थोड़ी देर पहले जो जिस तरीके से जो दीप सिद्धू और इकबाल सिंह को यहाँ लेकर लाल किले पर पहुंचे, उसके बाद जो रूट था, जिस रूट से वो लाल किले के ऊपर वहां तक पहुंचे, उन तमाम रास्तों से होते हुए वहां जो सीन रिक्रिएट किया गया और उनसे पूछताछ की गई, कड़ियों को कड़ी जोड़ी गई कि किस तरीके से उन्होंने जो बातें बताई है जांच में वो सही है और किस तरीके से उनको उस रास्ते का पता था लाल किले के ऊपर जाने के लिए, क्या पहले पता था रेकी की, या किस तरीके से वो वहां पहुंचे। आपको बता दूं, इससे पहले जो एक दो घंटे का जो विलंब हुआ, उसमें जानकारी ये मिल रही है कि दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार कि जहां पर दीप सिद्धू रुका था पहली रात को, वहां पर उनको ले जाया गया, वहां ले जाकर के सीन रिक्रिएट किया गया और वहां पर कुछ चीजें उनको जो तथ्यों के साथ जोड़ने थी वो वहां से किया गया, और उसके बाद उस रूट से होते हुए किस तरीके से दिल्ली के लाल किले तक वो पहुंचे, उस रूट से यहां पहुंचने और ऊपर लाल किले तक पहुंचने का जो पूरा जो एक सीक्वेंस है उसको कड़ी से कड़ी जोड़ने के जो बहानेबाजी मनोहर पहले से चलती आ रही थी कि वहां पर जो उपद्रवी थे वो रास्ता भटक गए थे, आज अगर सीन को रिक्रिएट किया गया और बिल्कुल वस्तुतः उन तमाम जगहों पर ले जाया गया दीप सिद्धू को, इकबाल सिंह को, तो ये बहानेबाजी का मौका नहीं मिल पाएगा कि रास्ता भटक गए थे वो लोग। बिल्कुल, जो कबूलनामा है और जो वो रास्ता भटकने की बात पहले करते थे, क्या अभी भी उनको उस रास्ते का पता है, ये सारी चीज क्लियर करने के लिए जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो क्राइम ब्रांच की ऑफिस से लेकर के जहां पर रात को रुका था वहां से लेकर के सारे रास्ते से घूमते हुए वो वेरीफाई करते हुए यहां लाल किले तक पहुंचे, और जो रास्ता जो उनको पता था या नहीं था इस चीज का क्लियर करने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम है उनसे लगातार पूछताछ कर रही है और जो जानकारी जुटा रही है कि क्या उनको पहले से ये रास्ता पता था या फिर रेकी करने से पता चला या फिर जो बाबू अभी बता रहे हैं कि वो रास्ता भटक गए थे, तो इन चीजों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है और जांच को सही दिशा में ले जाने के लिए ये जो तथ्य है वो उसको सही जोड़ने के लिए, सबूतों को साथ जोड़ने के लिए यह लाल किले। मनोहर, ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को जरूर पहुंचा रहे हैं, लेकिन अभी आप बताइएगा कि लाल किले के किस हिस्से में सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है या कहां पर पूछताछ की जा रही है, क्या ये जानकारी बाहर निकलकर अभी आ पाई है? देखिए, फिलहाल आपको जो मैं तस्वीरें में जो दिखा रहा हूँ वो तस्वीरें बिल्कुल लाल किले के नीचे ग्राउंड की है, यहाँ पर उन तमाम रूट से होते हुए तमाम चीज़ों को जोड़ करके और आखिर तौर से जिस तरीके से वो बाहर निकले थे उस रास्ते तक वहाँ पहुँचे हैं, और अब पुलिस के अधिकारी कागजों में उनके जो बयान है वो सबूत है वो दर्ज कर रहे हैं, और जिस तरीके से काफिला है उनका क्राइम ब्रांच की टीम की जो गाड़ियों का उस काफिले के पास में उन दोनों को खड़ा रख करके जो चीज़ें उनसे वेरीफाई की जा रही है वो तमाम चीज़ें वहाँ यहाँ देखा जा रहा है, क्योंकि बिंदुवार जो जाँच की जा रही थी, जो पॉइंट उन्होंने जांच के रखे थे उस पॉइंट को वेरीफाई करने के लिए जो है पुलिस पूछताछ कर रही थी। आप देखिए, आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से अधिकारियों का पूरा लवाजमा उनके साथ में है और वो अधिकारी साथ मिलकर के जो है उनसे लगातार उन बिंदुओं पर पूछताछ कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, और अभी फिलहाल जो तस्वीरें ये है जो बिल्कुल ग्राउंड की है, लाल किले के नीचे जिस तरीके से जो मेन गेट है उससे घुसने के बाद अंदर की है वो वहाँ का है, वहाँ की तस्वीर आपको देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। इससे पहले जो है लाल किले के ऊपर प्राचीर जो है उस तक वहाँ पहुँचे थे और जो लाल किले पर जिस तरीके से उन्होंने जो एक फेसबुक लाइव किया था, उन तमाम चीज़ों को, उन सबूतों को, उन तथ्यों को जोड़ने के प्रयास दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम अभी फिलहाल करती हुई नजर आ रही है। जी
मनोहर, जिस तरीके से इकबाल सिंह ने कहा था कि वो तो बस दिल्ली घूमने गया था, लाल किला पहुंच गया और वहां जब देखा तो जोश आ गया, जब वीडियो दिखाया गया तब उसने कबूल किया कि हाँ उसने जोश में कुछ ऐसे वीडियोस भी बनाए हैं, तो इकबाल से भी जब पूछताछ होगी, दीप सिद्धू से भी पूछताछ होगी, धार्मिक झंडे को लेकर तमाम चीजें, उसके सबूत भी जुटाए जाएंगे ताकि कोर्ट में जब ये केस जाए तो वहां पर ये लोग मुकर ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो तमाम जो तथ्य जुटाए जा रहे हैं, तथ्य जुटाए जा रहे हैं वो इसी बात को लेकर के है कि कहीं कोर्ट में जाने के बाद जो तथ्य हैं वो साबित हो पाए कि किस तरीके से इन्होंने जो ये पूरा क्राइम जो है सुनियोजित तरीके से किया और उस क्राइम को या जिन धाराओं में यहाँ दर्ज किया उन धाराओं में साबित करने के लिए पुलिस के लिए ये सबूत जो है अहम माने जा रहे हैं। जी मनोहर, लेकिन यहाँ पर अगर सबूत हाथ लगते हैं और अगर तमाम रिक्रिएशंस के बीच में समझ में आप आ सके कि क्या स्थितियां रही हैं, तो क्या मानकर चला जाए कि यही वो कड़ी होगी जब किसान आंदोलन के मुखौटे लगाए जो लोग पीछे से हिंसा फैलाने की साजिश रच रहे हैं वो सामने आ पाएंगे? अब निश्चित तौर पर जिस तरीके से यहाँ सबूत जो मिलेंगे और जो उन्होंने जांच में चीज़ें बताई, बातें बताई, उन चीज़ों को जोड़ करके और ये तथ्य आपस में जोड़ करके जब वो कड़ी मिल जाएगी और जांच जिस दिशा में चल रही है, जो पुलिस अधिकारी जिसमें जांच के लिए जो बिंदु तय किए हैं, तो उन बिंदुओं को जो है जाँचते हुए और जो कोर्ट में साबित करना होता है जिन धाराओं में ये जो केस दर्ज किया गया है, जिन धाराओं में ये क्राइम हुआ है, उस धाराओं में किस तरीके से साजिश को किस तरीके से सुनियोजित तरीके से किया गया, ये तमाम चीज़ें देखने के लिए यहाँ जो सबूत जो मिलेंगे वो कोर्ट में पुलिस के लिए आसानी होगी और कोर्ट में उसको साबित कर पाना आसान होगा इन सबूतों के आधार पर। मनोहर, जिस तरीके से सीक्वेंस की बात सामने आ रही है कि सीक्वेंस भी मिलाकर देखा जाएगा और जिस तरीके से अगर देखें तो दीप सिद्धू पहले 11 बजे पहुंच गया था 26 जनवरी को, उसने खुद को बोला है, इकबाल सिंह जो है वो बीच में पहुंचा था और वो कह रहा है कि उसने वहां पर जोश जोश में आके वीडियो बनाए, तो सीक्वेंस कब कितने बजे घटना हुई और वीडियो फुटेज जबकि मिले हैं सीसीटीवी हो या फिर लोगों ने मुहैया कराए उन वीडियो फुटेज की टाइमिंग, तमाम ये चीजें जो है वो देखी जाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो सारी चीज़ें हैं देखी जाएगी, साथ ही जैसा कि मैंने पहले बताया कि पूरी जो क्राइम की जो क्राइम हुआ है उस क्राइम को जहां से शुरुआत हुई है वहां से लेकर के लाल किले तक जो पहुंचने की बात है वहां तक तमाम सीक्वेंस है उसको सबूतों के आधार पर जोड़ा जा रहा है और जो सबूत है वो पूरे वीडियोग्राफी के साथ, आपको एक अपडेट और दे दूं, वीडियोग्राफी के साथ में सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है कि किस तरीके से उन्होंने जो बात कही थी उसको यहाँ पर साबित हो रहा है, वो जो उनके साथ में मौजूदगी में वो साबित हो रहा है कि उन्होंने जो बात बताई किस तरीके से उन्होंने घटना को अंजाम दिया और जो ये पूरा करने के लिए किन किन लोगों का साथ दिया। बहुत अहम ये तस्वीरें हैं और जो जानकारी आप पहुंचा रहे हैं वो दर्शकों तक बहुत अहम हो जाती है, आप नजर बनाए रखिए, पल पल का अपडेट और पल पल की जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार, आप देखते रहिए जी हिंदुस्तान।